वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन होप एवरीथिंग इज इन वाइन। वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर, आप कैसे हैं? आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड दिस वीडियो इज फॉर ड्रोन लवर्स अगेन। और अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द टेक विच आई यूटिलाइज। टेक में सारे गैजेट्स आते हैं जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, हाउस होल्ड वाले भी आते हैं, मैंने अब स्टार्ट कर दिया। बाकी मोबाइल्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वो मैं करते ही, एंड एज अ डॉक्टर आई विल समटाइम्स शेयर सम हेल्थ टिप्स। तो आज मैं बताने वाला हूं, जैसे हमने टाइटल पढ़ लिया होगा, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ डीजीआई इन इंडिया। अब आप सबको मालूम है डीजीआई एक चाइनीज कंपनी है, एवरीबॉडी नोज दैट। और ड्रोन्स के इंडस्ट्री में बादशाह मानी जाती है, कंज्यूमर ड्रोन्स के मामले में, कंज्यूमर ड्रोन्स के मामले में भी और प्रोफेशनल ड्रोन्स के मामले में भी। डीजीआई के ड्रोन्स का बहुत बड़ी मार्केट है वर्ल्ड ओवर में, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब आप सबको मालूम है क्या हालात चल रहे हैं इंडिया के साथ, चाइना के, एंड ऑल्सो विद अमेरिका। तो हर जगह चाइना पंगे ले रहा है, सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो उसका क्या असर होने वाला है डीजीआई के ड्रोन्स के ऊपर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली इन इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, इट्स नॉट ए गुड न्यूज़। और एक तरह से हम अगर इंडिया का और चाइना के रिलेशन देखें तो वी शुड अवॉइड having these drones also, अगर आप एक patriotism और एक the way China is handling things, आपको मालूम है किस तरह से वो पहले कोरोना फैलाया गया and now वो border पे पंगे ले रहा है, and ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो boycott शुरू हो चुका है काफ़ी हद तक, काफ़ी लोग Chinese products को बंद कर रहे हैं। but अब drones की बात आ रही है, हमारा drone पे भी focused है channel, drone tech doctor में drones, D के लिए drones ही हैं, ड्रोन्स के लिए ही है बेसिकली। तो टैक के अलावा हम ड्रोन्स की भी बात करते हैं, सारे रेगुलेशन, और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ये जो है ड्रोन एक बहुत ही बढ़िया टूल है वीडियोग्राफी के लिए। अब जो पॉसिबल नहीं था पहले हेलीकॉप्टर्स वगैरह में और इतनी बड़ी ट्रॉलीज में जाके जो लॉन्ग शॉट ऊपर से एरियल लिए जाते थे, वो इस ड्रोन की मदद से बहुत ईजी हो गए हैं। और कंज्यूमर ड्रोन्स के मामले में डीजीआई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट विल द फ्यूचर? फ्यूचर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं, अब आपको पहले ही मालूम है DJI Mavic Air, Mavic Pro 2 जो रिलीज हुआ, वो अभी तक DJI Mavic Air 2 अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया प्रॉपर तरह से। जैसे भी आते थे जुगाड़ से, वो जुगाड़ भी नहीं हो पा रहे, कारण चाइना से रिलेशन का पंगा, नंबर दो आपका कोरोना का, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब कारणों की वजह से Mavic Air 2 इंडिया में नहीं आ पाया और हमारे चैनल पे भी नहीं आ पाया। मैं सोच रहा था इसको बेच के Air 2 पे अपग्रेड कर दूं, वो भी नहीं मैं कर पाया। तो अब यही आगे ये चीज़ जो है नेगेटिविटी ये बढ़ने वाली है विद रिगार्ड टू चाइना। अब हो सकता है कि कोरोना थोड़े दिनों में चला जाए लेकिन लड़ाई हो जाए चाइना के साथ, मे बी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी इम्पोर्ट वगैरह और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं आ पाएंगे। अमेरिका भी इसको बॉयकॉट कर रहा है। आपको बता दूं अमेरिका में DJI के ड्रोन्स का जो काफ़ी बड़ी मार्केट है, अब इस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अमेरिका भी इज़ अगेंस्ट चाइना ड्यू टू कोरोना थिंग, तो वहाँ पर भी DJI के प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे कमी आनी शुरू होगी, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो मेन मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी मत रखें कि DJI के आपको नए ड्रोन्स इंडिया में मिल पाएंगे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। अब ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ जो ऑप्शंस इंडिया में हो रहा है। पिछले हफ्ते एक ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार टाइप्स, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तो मैं भी वहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग मैंने अटेंड करी, और वहाँ पर जितने भी ड्रोन इंडस्ट्री से लेके दिग्गज हैं, मतलब जो आर रिस्पॉन्सिबल है पर्सन्स इंडिया में, जैसे हमारे सिविल मिनिस्टर साहब, सिविल एविएशन के मिनिस्टर वहाँ पर थे, उसके अलावा ड्रोन फेडरेशन के जो इंडस्ट्री जो एक्चुअली अभी स्टार्ट हो चुके हैं। एक बात आपको बता दूं, जितने भी ड्रोन्स इंडिया में अभी बन रहे हैं या जो कंपनीज बना रही हैं, कंज्यूमर ड्रोन्स कोई नहीं बना रहा है, कंज्यूमर ड्रोन्स कोई नहीं बना रहा है। लेकिन अब इस मीटिंग में कुछ सजेशंस पूछे गए, मैंने भी अपना सजेशन रखा, और उस सजेशन में बताया कि जैसे हमारे ऑडियंस, आप हमारे साथ हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अपना सजेशन यही रखा कि आप प्रोफेशनल ड्रोन्स तो इंडियन कंपनीज बनाने में लग गई हैं, पर कंज्यूमर लेवल के ड्रोन्स भी चाहिए,
हमारे पास मेरे चैनल पे फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं और कैजुअल यूट्यूबर्स हैं जो चाहते हैं ड्रोन्स को यूज़ करना, और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो की फुटेज अच्छी बनती है, 100 चीज़ें उसमें हम ड्रोन से कर पाते हैं। तो इंडियन कंपनीज़ को चाहिए कि वो कंज्यूमर लेवल के ड्रोन भी बनाएं। अब जिसको नहीं पता, कंज्यूमर लेवल के ड्रोन होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, आप और मैं, कैजुअल फुटेज फोटोग्राफी, जैसे हमारे मैविक एयर, फैंटम, ये सब कंज्यूमर ड्रोन हैं। और प्रोफेशनल ड्रोन वो होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कोई मॉनिटरिंग करनी है आपने, खेतों की मॉनिटरिंग करनी है, इन सब के लिए तो ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में, बहुत अच्छे लेवल पे बन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको जॉब्स भी देंगे और इंडस्ट्री में यूटिलाइज होंगे। अब मोदी जी ने एक स्कीम बनाई है कि जो ये एग्रीकल्चर लैंड है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो प्रॉपर लाइनिंग नहीं मिल पाती, तो ड्रोन से सारी सेग्रीगेशन होगी कि ड्रोन से पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये आपका प्लॉट, ये उसका, इस तरह से। तो ड्रोन इंडस्ट्री में तो बहुत हाई लेवल पे आने वाले टाइम में यूज होने वाला है। अब आप कमेंट्स में लिखिए जो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे कैसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उस पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपना सुझाव भी जरूर लिखा करें, डिस्कशन करा करें। आप जो डिस्कशन होती है बेसिकली, जो मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर आपने अपने बताएं कि आपको किस तरह से इस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं। आप बताएं डीजे का क्या हर्ष होने वाला है इंडिया में, और क्या ये सही है? मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से पंगे ले रहा है तो ये चीज़ सही है। वर्ल्ड ओवर इस तरह से नेगेटिविटी चाइना फैला रहा है और धीरे धीरे सभी उसके अगेंस्ट होने वाले हैं। तो चाइना उसी तरह से ऐप्स बंद हो गए हैं, तो ये डीजे के को भी काफ़ी इफेक्ट होने वाला है और हो रहा है, ठीक है? तो उस ड्रोन फेडरेशन वाली जो मीटिंग में, तो मैंने इसका जवाब रखा, एंड नाउ इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो, गुड न्यूज़ ये है कि वो भी प्लान कर रहे हैं कि कंज्यूमर लेवल के ड्रोन्स आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बनाए जाएँ, और जल्द ही आने वाले टाइम में जब वो बनेंगे आपको अपडेट मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको होप पसंद आई होगी आज की इन्फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी अपडेट है, मतलब एक आईना है आपके सामने, व्हाट इज द स्टेटस, क्या होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो आने वाले फ्यूचर में गुड न्यूज़ यही है कि इंडियन कंपनीज भी उतरने वाली हैं कंज्यूमर ड्रोन्स मार्केट में, एंड डेफिनेटली यू विल सी अ गुड क्वालिटी ड्रोन्स, आत्मनिर्भर ड्रोन्स, आत्मनिर्भर हमारे कंज्यूमर लेवल के ड्रोन्स आप देखेंगे मेड इन इंडिया। अगर आपको पसंद आया वीडियो, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, स्टे हेल्दी।